पूर्णिया जिले का बायसी प्रखंड पिछड़े इलाकों में गिना जाता है, जहां शिक्षा का घोर अभाव है। वहीं अमौर के पूर्व विधायक ने आज कुछ ऐसा किया जिससे उनके चारों ओर प्रशंसा हो रही है। दरअसल बायसा प्रखंड के माध्यमिक विद्यालय धुसमल तालाब को अपनी जमीन नहीं है। बच्चे सामुदायिक भवन में बैठकर किसी तरह पढ़ते हैं। बच्चों की परेशानी की जानकारी जब पूर्व विधायक अब्दुल जलील मस्तान को मिली तो उन्होंने विद्यालय निर्माण हेतु अपनी 12 डिसमिल जमीन को सरकार को दान दे दी। आज विधिवत अमौर निबंधन कार्यालय जाकर उन्होंने राज्यपाल के नाम जमीन लिख दी है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस विधायक अब्दुल जलील मस्तान बिहार सरकार में पूर्व मद निषेध से निबंधन मंत्री रह चुके हैं। अगर उनके द्वारा यह जमीन नहीं दी जाती तो गांव के इस विद्यालय को किसी दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया जाता। पूर्व विधायक के इस कदम से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। अमौर से सिटी हलचल के लिए सनोज कुमार की रिपोर्ट। उसको ये हमारा जो उद्देश्य है कि स्कूल में बच्चे लोग पढ़े और बच्चे लोग आगे बढ़े, परंतु यहाँ एक बात की कमी है कि ग्रामीण लोग इतना बेदार नहीं है तालीम के तरफ। लेकिन अभी कुछ लोग देते हैं, देखते हैं कि तैयार हुआ है, लगता है कि इन लोगों की बेदारी से गांव में शिक्षा का भय की बेदारी होगी और ये समाज जो है ना मुख्य धारे से जुड़ करके आगे बढ़ सकता है। यही हमारा कर्तव्य था जो हमने आज निभा दिया। कितना डिसमिल जमीन दिए? कितना डिसमिल? 12 डिसमिल तो दिए हैं, लेकिन उसमें है 20 डिसमिल जमीन। अच्छा अच्छा। मोहम्मद जुबैर अनवर, किस विद्यालय के पढ़ हैं जी? अभी हम प्राथमिक विद्यालय कृष्ण कला के प्रधान अध्यापक हैं। अच्छा, सुनने में आया कि यहाँ पूर्व मंत्री और कहा जाए कि अमौर के जी, आज हमारे लिए स्कूल समाज के लिए हमारे गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है कि ये स्कूल, जिस स्कूल में अभी हम पदस्थापित हैं, कुल 4 शिक्षक हम लोग पदस्थापित हैं और ये स्कूल जो अस्तित्व में आया करीब 2007 में ये अस्तित्व में आया था, लेकिन ये गांव धुसमल में अवस्थित है, लेकिन धुसमल के लोग इस स्कूल के लिए ज़मीन मुहैया नहीं करा पाए थे। हम लोग काफ़ी प्रयास भी किए कि इस स्कूल में ज़मीन हो जाए, ज़मीन नहीं हो पाया। लेकिन अभी बिहार सरकार का आदेश आया कि जहाँ भी भवनहीन भूमिहीन विद्यालय है उस विद्यालय को बगल के विद्यालय में मर्ज करा दिया जाए। और इसमें जो है हम प्रशंसा करना चाहेंगे, या फिर यूँ कहिए कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही मसीहा हैं हमारे पूर्व मंत्री श्री अब्दुल जलील मस्तान साहब, जिनको ये खबर हुई कि ये स्कूल, जो स्कूल अभी धुसमल तालाब के नाम से है, वो स्कूल अब मर्ज होने जा रहा है दूसरे स्कूल में, तब वो गांव के हमारे मुख्य लोगों को बुला करके और ख़ासतौर से हमसे भी वो उन्होंने बात की और बात करके वो बोले कि उस स्कूल को बचाना है। तो हमने बोला कि वहाँ ज़मीन नहीं है, जिस कारण ये स्कूल जो है दूसरे जगह मर्ज हो जाएंगे। तो वो बोले कि नहीं, इस स्कूल को मर्ज होने हम नहीं देंगे, वहाँ हमारी ज़मीन है और गांव के लोगों को लेकर के आप आइए और जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कीजिए और हम ज़मीन डोनेट करेंगे। तो उसी के सिलसिले में आज हम लोग अमौर में ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए आए हैं और हमारे जो पूर्व मंत्री श्री अब्दुल जलील मस्तान साहब हैं, उन्होंने हमारे समाज को इस स्कूल के नाम से 12 डिसमिल ज़मीन दान किए हैं महामहिम राज्यपाल बिहार सरकार के नाम से। और इसी के लिए हम लोग काफ़ी संतुष्ट भी हैं और हम लोग प्रयासरत भी थे और हम लोगों की जो मनसा और हम लोगों की जो तमन्ना थी वो आज पूरी हुई है। इसके लिए जो है हम हमारे मंत्री जी को साधुवाद कहेंगे कि उन्होंने ही हम लोगों की जो सपना थी कि इस स्कूल में एक स्कूल भवन बने, यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो और यहाँ के ग्रामीणों को एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि आगे यहाँ के बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़ सके। इसी के लिए जो है हम लोग उनको फिर से साधुवाद देते हैं और दिल से मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हमारी तमन्ना को पूरा किया है। The new era of style begins now. This is the boldly stylish Honda Elevate. Bookings open.